घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। ओ भाई ओ बच्चों, ये पालना क्यों बाहर लेके आए हो? महेश, जन्माष्टमी है ना, इसलिए। जन्माष्टमी आने वाली है मतलब घर में बहुत सारी मिठाई आएगी। मतलब सबके लिए मिठाई आएगी। हाँ हाँ, और इसीलिए हम इस पालने को ठीक करेंगे। हाँ, और फिर कृष्ण भगवान इसमें झूलेंगे और हम इसे अच्छे से पेंट करेंगे और जन्माष्टमी के दिन हम इसे सजाएंगे। लो, बल्लू और मेहर भी आ गए। बल्लू मेहर, तुम लोग कहाँ थे इतनी देर तक? मम्मी, मेहर, पापा, पापा, अरे दादाजी, अरे हाय सचिन, हाय सलोनी, तुम लोग कैसे हो? ठीक है, हम ये, इसे क्या हुआ? ये तो इस तरीके से मिल रही है जैसे बहुत दिनों बाद मिल रही हो। बहुत दिनों बाद ही तो मिल रही हूँ। है इसके कहने का मतलब कि अगर ये मिल सकती है आप सबसे थोड़ी देर बाद, तो लगता है उसे कि मिलेगी वो आप सबसे बहुत समय बाद। महर, तुम ठीक तो हो ना बेटा? चलो तो कुछ खेलते। हाँ, चलो, 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 चलो। बालवीर, अब हो गया है मेरा कार्य पूरा, इसलिए जाता हूँ मैं परी लोग। लेकिन तुम संभालना खुद को और इस परिवार को, क्योंकि हो गई है महाभस्म परी घायल, और होने के बाद बुराई घायल हो जाती है वो और भी खतरनाक। तुम चिंता मत करो डुबा डुबाई, मैं अपनी सुरक्षा और इस परिवार की सुरक्षा का भी ख्याल रखूंगी। है ठीक बालवी, अब जाता हूँ। आज तुम्हारा अंत निश्चित। इस जहरीले खंजर से बालवीर, बल्लू, बाल, ओ जो तुम भी, ए बात तो एक ही। क्या कर रहे हो बच्चों? सॉरी सॉरी बाबा। अरे बच्चे क्या कर रहे हो, ये घर है, खेल का मैदान नहीं, बाहर जाके खेलो। दादाजी हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। हाँ, और अगर हम बाहर गए तो भीग जाएंगे। और अगर भीग जाएंगे तो हमें ठंड लग सकती है और हमें जुकाम और बुखार हो जाएगा। हाँ, हम बीमार पड़ सकते हैं और बीमार हुए तो सब बच्चों की स्कूल की छुट्टी। नहीं, कोई भी स्कूल में छुट्टी नहीं करेगा। हाँ ठीक है, खेलो आप लोग, यहाँ खेलो, हम लोग अंदर जाते हैं। आइए बाबू, आइए। पर लेकिन वो भाई, ओ तो मेहरबानी करके घर की कोई चीज तोड़ना मत। अंदर कॉपी बुक खेलना पिता। अरे जाओ कैसे मैं घर के अंदर, करो कैसे बालवीर पे वार इस जहरीले खंजर से। हाँ ले, डर रहा है मानो, ये ले। वेरी गुड बल्लू, चल आउट कर इसको। आउट कर बल्लू। वेरी गुड बल्लू।
गई मिल मुझे युक्ति इस घर के अंदर जाने की। अब मैं नहीं बल्कि लेकर जाएंगे बच्चे खुद मुझे इस घर में। अरे वो सलोनी प्लीज तू जाके बॉल लेकर आना। मैं क्यों जाऊँ? जिसे शॉट मारा वो ही जाके बॉल लेकर आएगा। छोड़ ना सलोनी, हम लोग फील्डिंग करें तो हम लोग बॉल लेके आते। आना हो अभी से धीरे मारना। अरे सलोनी ये देख कितना प्यारा खरगोश है। हाँ लेकिन ये यहाँ कैसे आया? मुझे लगता है कि बारिश की वजह से अंदर आ गया होगा। हाँ एक काम करते हम लोग इसे अंदर लेकर जाते, सभी से देख के खुश हो जाएंगे। हाँ। उनका पता नहीं पर होऊंगा मैं बहुत खुश, क्योंकि यही तो हूँ मैं चाहता कि तुम ले जाओ मुझे अंदर। अरे वाओ देखो सलोनी के हाथ में खरगोश है। तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ? यह मैं बाहर मिला। हाँ। अरे वाह कितना प्यारा खरगोश है। प्यारा नहीं खतरनाक हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये लो मानो। अरे मैं तो भूल ही गया, तुम लोग इसके साथ खेलो मैं जाता हूँ। क्यों बोल लो? तुम सब ने तो अपना होमवर्क कर लिया ना। हाँ। तो मुझे भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा ना, वरना सर मुझे कल डांटेंगे। ठीक है। कितना प्यारा है। जाओ बल्लू जाओ, यही तो हो चाहता मैं कि तुम हो जाओ अकेले, ताकि कर सकूं मैं आराम से तुम्हारा अंत। इस खंजर के तुम्हें छूते ही तुम बन जाओगे भस्म का ढेर बल्लू। क्या चुभा मुझे? तुम यहाँ? हाँ मैं, और आया हूँ मैं तुम्हें इस जहरीले खंजर से भस्म का ढेर बनाने के लिए। लेकिन बने क्यों नहीं तुम अभी तक भस्म का ढेर? मैं नहीं बल्कि तुम भस्म बनोगे। बालवीर क्या हुआ? बालवीर अब ठीक तो है ना? हमें अचानक आभास हो रहा है जैसे जैसे बालवीर ठीक नहीं है। शायद वो किसी खतरे में है। बालपरी आप बालवीर की चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। बालवीर एक वीर योद्धा है, वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है। बालपरी हाँ, और वैसे भी इतनी बड़ी हार के बाद महाभस्म परी फिर से साहस नहीं करेगी बालवीर पे वार करने का। हाँ बालपरी,
आप बालवीर की चिंता मत कीजिए। काश काश ऐसा ही हो जैसे आप सब कह रही हैं। लेकिन लेकिन पता नहीं क्यों हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बना दिया बालवीर को भस्म का ढेर, कर दिया अंत बालवीर का। तुम्हें पूरा विश्वास है तौबा तौबा? बालवीर, तुम यहाँ, तुम हो? वो मैं था। तो बालवीर, और हो तुम ठीक? कैसे? अरे कैसे क्या, मैं यही हूँ तुम्हारे सामने। नहीं लेकिन वे तो थे तुम भस्म। तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। वो तो मैं था। नहीं वो तो मैं था। तुम यहाँ? अरे मैं था। नहीं नहीं अरे मैं था। अरे अरे नहीं मैं था। नहीं अरे मैं था। अरे मैं था। अरे मैं था। अरे नहीं कर दिया था मैंने तुम्हारा। ए चुप 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 चुप। क्यों तौबा तौबा घबरा गए? ये तो भटकाती परी का एक मामूली जादू था जिससे तुम डर गए। तो सोचो अगर मैं अपनी सारी शक्ति एक साथ इस्तेमाल करूं तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अब लेकिन अब चला कैसे पता तुम्हें बालवीर? जब तुम खरगोश बन के हमारे घर में आए थे तब तुम्हें छूते ही मुझे पता चल गया था तुम कोई प्यारे से खरगोश नहीं बल्कि कोई बुरी शक्ति हो। कर दो मुझे माफ बालवीर। तुम माफी के लायक तो हो नहीं और इसलिए तुम्हें सजा तो मिलनी ही चाहिए और वो भी तुम्हारा अंत करके। लेकिन अभी मैं तुम्हें जाने देता हूँ ताकि तुम समझ सको और अपनी महाभस्म परी को समझा सको कि अगर वो जानती है कि मैं ही बल्लू तो मैं भी जानता हूँ कि वो जानती है कि मैं बल्लू। इसलिए अगर आज के बाद तुम दोनों ने अगर मुझ पर वार करने की कोशिश की तो मैं तीनों लोक में तुम दोनों को ढूंढकर तुम्हारा अंत कर दूंगा। समझे? गया समझ। तो मैं चलूं? रुको, तुम यहाँ खुद आए थे लेकिन अब मैं तुम्हें एक संदेश की तरह भेजूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। निकालिए मुझे यहाँ से। हे गुंडा यहाँ पर मेरा दम। गया मर मैं। अरे कहीं मेरी गर्दन। बड़ी बुरी हूँ मैं और बड़े बेवकूफ हो तुम तौबा तौबा। कहा था मैंने तुमसे, समझाया था कि ये सही मौका नहीं है बालवीर पर वार करने का, पर तुम नहीं माने। था कहा आपने सही लेकिन करूं क्या मैं? है आती मुझे समझ में बात सिर्फ खाने के बाद लात, लेकिन वो करता क्या मैं वहां पर अकेला? है आप तो बैठी यहाँ बड़ी आराम से पत्थर में। महाभस्म पर ही बेवकूफ नहीं है और ना इतनी ना समझ है। मैं तब तक आराम से बैठूंगी जब तक मेरी मन बदल शक्ति वापस नहीं आ जाती। एक बार मेरी शक्ति वापस आ गई उसके बाद मैं बालवीर पर वार करूंगी। हाँ है इसमें ही अकलमंदी, लेकिन बार बार धिक्कारेगा हमारा दिल कि नहीं हरा पाए हम बालवीर को। महाभस्म परी दिल से नहीं
दिमाग से सोचती है, और इस वक्त मेरा शातिर दिमाग ये कह रहा है कि शिकार ऐसे करो कि शिकार को पता भी ना चले कि वो शिकार हो गया। इसलिए शांति रखो तौबा तौबा। कभी कभी अच्छे जाल बुनने में बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन एक बार वो जाल बुन गया फिर उसमें जब शिकार फंसता है तो वो बचता नहीं है। बड़ी बुरी हूं मैं। सुप्रभात बच्चों, सुप्रभात। अरे मेरा मतलब है गुड मॉर्निंग। ठीक है बैठ जाओ बैठ जाओ। हाँ तो विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। क्या सर, हमें 10 दिन की छुट्टी मिल रही है? नहीं, छुट्टी नहीं मिल रही। तो फिर मोंडू की स्कूल से छुट्टी हो रही है? मेरा तो पता नहीं, लेकिन तेरी छुट्टी तो मैं आज कर ही दूंगा। शांति शांति। यस सर। शांति मतलब साइलेंस साइलेंस। कितनी बार बताया है शांति को? नहीं, आप सबको। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी के अवसर पे हम सब कृष्ण लीला पे एक नाटक करने वाले हैं। नाटक? सर मैं क्या कहता हूँ कि नाटक के साथ साथ हम लोग खाने की पार्टी भी रख देते हैं। हाँ सर, और वो पार्टी को वॉन्टेड को स्पॉन्सर करेंगे। हाँ। कोई पार्टी नहीं होगी। हाँ, और नाटक पे ध्यान दो, वरना पार्टी का तो पता नहीं, लेकिन स्टेज पे तुम्हें टमाटर खाने जरूर मिलेंगे। शांति शांति। हाँ तो विद्यार्थियों, हम सब जानते हैं कि जन्माष्टमी हम सब कृष्ण की जन्म की खुशी में मनाते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि कृष्ण का जन्म इस धरती पर किस कारणवश हुआ है? कौन बताएगा बच्चों? शाबाश बल्लू, बताओ। कृष्ण भगवान के जन्म का अर्थ है अच्छाई की बुराई पे विजय होना, क्योंकि जब जब बुराई का आगमन होता है और बुराई अच्छाई के नाश के लिए अपना कदम रखती है, और फिर अच्छे और सच्चे लोगों को परेशान करने के लिए बुराई अपना सर उठाती है। तब अच्छाई की रक्षा करने के लिए और बुराई को मिटाने के लिए भगवान को अलग अलग रूप में जन्म लेना ही पड़ता है। यदा यदा ही धर्मस्य यदा ही धर्मस्य। ग्लानिर् भवति भारतम्। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। तदात्मानं सृजाम्यहम्।